हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था, न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन मैंने वीडियो अपलोड की थी। आज हम न्यूरोट्रांसमीटर को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। इसका पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आज पार्ट टू की बात है, जहाँ पे हमने जो हमारी एग्जाम्पल्स बच गई थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो करनी है। जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, ये सारी एग्जाम्पल्स करनी है। बेसिकली 8 एग्जाम्पल्स हमने ली थी, तो आज हम डोपामीन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। फाइन, आज हमारा टॉपिक है डोपामीन। डोपामीन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हम खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। बेसिकली अगर डोपामीन रिलीज नहीं होगा तो हम खुश नहीं होंगे। इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही हमें खुशी मिलती है। डोपामीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ प्लेजर, बट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड मोटिवेशन। फाइन, जो प्लेजर की फीलिंग है वो हमें डोपामीन की वजह से ही आती है, और डोपामीन जो है मोटिवेशन में भी इन्वॉल्व है। मीन्स हम वीडियोस देखते हैं, मोटिवेटेड वीडियोस देखते हैं कि हमने पीएमटी क्लियर करना है, हमने जीपैट क्लियर करना है, नाइपर देना है, तो हम काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियो, कई हमें मोटिवेट कर पाती हैं, कई नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? ये डोपामीन की वजह से होता है। जब जिस वीडियो को डोपामीन हिट कर जाता है, फाइन, कि डोपामीन रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। जो वीडियो नहीं कर पाती, हमें लगता है कि ये तो बेकार है, ये हमें मोटिवेट नहीं कर पाई। तो ये कब होता है? जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। फाइन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डोपामीन रिलीज हो रहा है। पीपल टेंड टू रिपीट बिहेवियर दैट लेड्स टू डोपामीन रिलीज लीडिंग टू एडिक्शन। फाइन, अब जिस चीज से हमें खुशी मिलती है हम उसको बार बार रिपीट करेंगे ना, तो यही बात इसमें है कि पीपल, मतलब लोग क्या करते हैं, जिस चीज से उनको खुशी मिल रही है वही काम वो बार बार रिपीट करते हैं। एक्चुअली उसे, उन्हें खुशी क्यों मिल रही है वो ये बात नहीं जानते, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। इससे एडिक्शन भी हो जाती है कि हाँ, हमें ये काम करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसको करने से हमें प्लेजर मिलती है। प्लेजर क्यों मिलती है? क्योंकि उसको करने से डोपामीन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। ये क्या है, डोपामीन और सेरोटोनिन थोड़ा मिलता जुलता है, कि वो भी खुशी देता है, ये भी खुशी दे रहा है। लेकिन डोपामीन में तो एकदम हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होती है, दिल गार्डन गार्डन वाली फीलिंग होती है। सेरोटोनिन में क्या होता है कि हाँ, हम ठीक हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, ऐसी वाली फीलिंग होती है। सेरोटोनिन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फीलिंग वेल बी, कि हम ठीक है एंड हैप्पीनेस। फाइन, सेरोटोनिन आल्सो प्ले रोल इन स्लीप साइकिल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेशन। अब ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होती है, जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, वो जब कभी वो अच्छे से कर लेते हैं ना, वो अपना जो स्टमी है उनका अच्छे से एम्प्टी हो जाता है, तो उनको काफी अच्छा फील होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा अच्छा होगा तो हमें वैसे ही अच्छा फील होगा। तो ये उसमें भी रोल प्ले कर रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, तो अगर अच्छे से रेगुलेट होगा तो हम वैसे ही खुश हो जाएंगे। और स्लीप साइकिल, अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती तो हमें एंजाइटी होती है, हम थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब कभी भी आपने नोटिस किया होगा, हम 2-3 दिन जागते हैं। आजकल तो बच्चे फोन बहुत यूज करते हैं, तो रात भर सोते नहीं है, तो क्या होता है कि वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और यही अगर हम 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो हम काफी अच्छा फील करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये स्लीप साइकिल में भी तो इन्वॉल्व है सेरोटोनिन, सब कुछ साइंटिफिकली इन्वॉल्व है। फाइन, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अगर करें तो ये भूलने वाली चीजें तो है ही नहीं। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। गाबा किसमें इन्वॉल्व है? हाई लेवल इम्प्रूव फोकस वेयर लो लेवल कॉज एंजाइटी एंड कॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मोटर कंट्रोल एंड विजन। फाइन,
अगर गाबा का जो हाई लेवल है तो इससे फोकस इंक्रीज होगा। जैसे हम कई बार बहुत फोकस होके पढ़ते हैं, और जब हम फोकस होके पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से जो चीजें याद हो जाती, समझ आ जाती है। तो मींस गाबा रिलीज हो रहा है हमें, जो वेयर लो लेवल कॉज एंजाइटी। जब यही गाबा के लेवल लो होता है तो एंजाइटी होती है। क्यों होती है? हम कोई काम करने बैठे हैं, पढ़ने बैठे, हम फोकस नहीं कर पा रहे, हमसे हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मोटर कंट्रोल एंड विजन। विजन मीन्स देखना, ठीक है, तो ये उसमें भी है। मोटर कंट्रोल यानी कि जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की, जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमने पढ़ा था कि मोटर एक्टिविटीज होती हैं, सेंसरी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। मोटर एक्टिविटी मींस मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं हम, तो उसमें भी गाबा जो है इन्वॉल्व है। फाइन, मींस जब भी हम ये फोकस में इन्वॉल्व है, अगर हाई लेवल जो है अगर गाबा का, तो फोकस जो है अच्छा होगा। लो लेवल होगा तो एंजाइटी कॉज करेगा। और नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या करता है? ग्लूटामेट इज मोस्ट कॉमन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर। फाइन, ये जो ग्लूटामेट है कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर मींस काफी हाई लेवल पे ये इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, तो ये कॉमन सा है। ग्लूटामेट रेगुलेट्स डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नर्व पाथवे एंड हेंस इज इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। क्यों? क्योंकि जो न्यू नर्व पाथवे है, ठीक है, उसको ये उसकी क्रिएशन करता है, मींस उसको बना रहा है। और हैंस इज इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी, इसलिए लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व है। फाइन, अगर न्यू पाथवे, नव पाथवे नहीं बनते, हम नई नई चीजें नहीं सीखते। अब कई लोगों को काफी शौक होता है नई नई चीजें सीखने का, ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अच्छे से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से न्यू नर्व पाथवे बनते हैं और वो बहुत इजिली लर्निंग, उनकी लर्निंग और मेमोरी जो है बहुत इजिली नई नई चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो है लास्ट हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, 8 न्यूरोट्रांसमीटर हमने किए हैं। एंडोर्फिन बेसिकली जो है इसको हम नेचुरल पेन किलर भी बोलते हैं। मींस अगर हमारी बॉडी में पेन हो रही है तो अगर एंडोर्फिन रिलीज होगा उस टाइम पे, तो जो पेन है वो कम होनी शुरू जाएगी। ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है। जब भी कोई पेन होती है तो थोड़ी देर बाद, अगर हम मेडिसिन नहीं लेते, पेन किलर नहीं लेते, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पेन जो है कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों होनी शुरू हो जाती है? कहते कि आदत हो गई है सहने की, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉडी को पता है कि पेन हो रही है, ठीक है, और पेन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो क्या करती है, एंडोर्फिन्स जो होती हैं, एंडोर्फिन्स न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज, एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब ये रिलीज होना शुरू होता है तो ये क्या करती है, पेन जो है उसको किल करती है, इसीलिए इसको नेचुरल पेन किलर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। फाइन, एंडोर्फिन रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट एंड सेक्स। ये तीन कंडीशंस हैं जब एंडोर्फिन जो है रिलीज होते हैं बॉडी में। फाइन, इसी के साथ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की जो एग्जांपल्स हैं हमने कंप्लीट कर ली है। न्यूरोट्रांसमीटर के हमने काफी डिटेल में कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।